छतरपुर जिला अदालत ने बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग और उसके साथी राजाराम तिवारी को कोर्ट ने जमानत दी है। शालिग्राम गर्ग और उसके साथी राजाराम तिवारी ने दलित की शादी में धमकाने, मारपीट, कट्टे से फायर कर जाति सूचक शब्द बोलने पर मामला दर्ज किया गया था, जिस पर पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। साथ ही जमानत मिलते ही दोनों आरोपी स्कूटी पर बैठकर निकल गए। मामला ऐसा है कि बागेश्वर धाम से शालिग्राम जी को उनको गिरफ्तार किया गया था 25-27 आर्म्स एक्ट और 323-204-506 बी के तहत। साथ में एक आरोपी, अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया था, जिसे पुलिस ने आज स्पेशल कोर्ट में पेश किया, चूँकि उसमें हरिजन एक्ट के मामले दर्ज किया गया था और उसके तहत यहाँ पर सुनवाई हुई। सीएल पटेल साहब वकील साहब थे, उन्होंने उसमें अपनी बहस की और इस उपरांत न्यायालय द्वारा आदेश पारित की 25-25 हज़ार रुपये की जमानत का आदेश पारित किया गया।